हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कॉम्पिटिशन स्टडीज। मैं हूँ साक्षी शर्मा और आज का हमारा बेहद दिलचस्प टॉपिक रहेगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो मैं अब टॉपिक्स को बिगिनिंग से लेकर चलते हैं हम लोग। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप द टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड जस्ट क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो बाद में फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट? सो अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है सोलर सिस्टम से रिलेटेड, कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा मेन स्टार क्या है, एंड हमारे जो सीजन्स हैं वो क्यों चेंज होते हैं, डे एंड नाइट क्यों होती है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो विदाउट कीपिंग अ डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं एंड इफ यू आर कमिंग अक्रॉस विद दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स एंड न्यू टॉपिक्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ऐसे पता नहीं अनगिनत अनकाउंटेबल सोलर सिस्टम्स होंगे शायद इन गैलेक्सीज में, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, बिकॉज इट फ्रॉम अफार इट लुक्स लाइक सम मिल्क अराउंड, तो वो दूध जैसे रंग की है, तो इसलिए हम उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। अभी भी लास्ट जो प्लैनेट है उसके ऊपर लिटिल कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा है, सो दैट इज़ नॉट कन्फर्म वेदर टू कॉल इट अ स्टार और अ प्लैनेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं एंड हमारे वो सारे प्लैनेट्स एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो है हमारा सन यानी कि सूर्यदेव। तो एक सन के अराउंड वो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। अब इस पूरे सोलर सिस्टम के अंदर हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसे हम कहते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है हमारा ब्लू प्लैनेट बोलते हैं इसको। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ग्रीन प्लांट्स ऑन इट। तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से हम इसको बेसिकली ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे सीक्वेंस लर्न करना है उसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट्स, पहले होता था, अब प्लैनेट्स की जगह हम एन को नूडल्स कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि एम फॉर मर्करी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपट्यून। इसके बाद पहले प्लूटो हुआ करता था, अब वो प्लूटो प्लैनेट को कंसिडर, उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें लर्न हो जाएगा, ये ट्रिक है, बहुत सिंपल है। मम्मी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हो ये सुना करके कि माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नूडल्स। ठीक है, तो ये हमें सीक्वेंस लर्न हो गया है प्लैनेट्स के को लर्न करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कभी आपने सोचा कि ये जो डे एंड नाइट है ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हमारा जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। जैसे आपने लट्टू देखा है ना, लट्टू एक एक्सिस एक पिन के ऊपर घूमता है, ऐसे ही अर्थ के अंदर भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड वो घूमते रहते हैं, जिसके ऊपर उस घूमने के प्रोसेस को हम कहते हैं रोटेट करना, दैट इज रोटेशन। ठीक है, व्हेन द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोटेशन, एंड ड्यू टू रोटेशन द डे एंड नाइट हैपेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ। देखिए, सपोज कीजिए कि ये सन है। ओके, सन, आप अपने मोबाइल का टॉर्च यहाँ से ऑन कीजिए, ये सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब जो सन की जहाँ पे सनलाइट होगी वहाँ पे क्या होगा? राइट, वहां पर डे होगा यानी कि लाइट होगी। लेकिन जो ऑपोजिट साइड है इस अर्थ का, वहां पर क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पे, तो जिस साइड पे सन की रेज होती है उस साइड पर डे होता है, और जिस साइड पे अर्थ के शैडो होती है उस साइड पर नाइट होती है। दिस कॉजेस डेज एंड नाइट। सो द सिंपल थिंग इज कि डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है दैट इज कि
सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, कभी गर्मी आती है कभी ठंड आती है, कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर कभी गर्मी ही रहती है हमेशा, कुछ रीजन्स ऐसे जहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है, ऐसा क्यों? वेल, उसका रीजन है रेवोल्यूशन। अब आप पूछेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है? आपने देखा होगा बच्चों को जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो मम्मा के अराउंड क्या करते रहते हैं, मम्मा दे दो, मम्मा टॉफी दे दो, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है, तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मम्मा के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो दैट इज रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सोलर सिस्टम इफ वी टॉक अबाउट। देन व्हेन द अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और जिस पाथ से वो क्रॉस करती है दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसका जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब रेवोल्यूशन से कैसे, सेम प्रोसेस कि जैसे अगर ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है यहाँ पर, तो रिवॉल्व करते टाइम अर्थ की जिस पोर्शन के ऊपर सनलाइट होगी वहाँ पर सीजन क्या होगा, समर होगा, और जिस साइड पर नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, राइट, वहाँ पर विंटर्स होंगे। अब आप बोलेंगे कि कुछ रीजन्स तो ऐसे जहाँ पर हमेशा ठंड होती है, तो क्या मतलब अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अब जो अर्थ है उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो पिन पार्ट है उसको हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम्स में भी सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर सनलाइट ईजिली नहीं पहुँचती है, सनलाइट नहीं ईजिली पहुँचती तो वहाँ पर क्या होती है, वेरी कोल्ड रीजन, दैट इज फ्रीजिंग कोल्ड, तो वहाँ पर इस वजह से हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अब बता दिया है कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, एंड हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स को हमने कैसे सीक्वेंस में लर्न करना है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बताती हूँ नेक्स्ट फैक्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर होम प्लैनेट, दैट इज अर्थ। अर्थ के ऊपर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम लिविंग बींग्स जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? वेल, द आंसर इज वेरी क्लियर, देर इज वाटर एंड प्लांट्स, दिस इज द ओनली रीजन वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ इज कवर्ड 3/4 विद वाटर एंड 1/4 विद लैंड, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट। ओके, नाउ अर्थ की है बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लेयर हमारा जो होता है एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, एंड उसके बाद जो लेयर आती है नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ठीक है, ये सारी लेयर्स होती हैं। क्यों होती हैं ये सारी लेयर्स? सन के अंदर इतनी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है एंड अदर रेडिएशंस होती है जिससे हम ह्यूमन बींग्स बर्न आउट हो जाएंगे। हम लोगों को बचाने के लिए मदर नेचर के ऊपर कवरिंग्स होती हैं जिनके अंदर से यूवी रेडिएशंस पास नहीं कर पाती है, एंड द मेन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दोज यूवी रेडिएशंस एंड अदर स्टफ इज ओजोन लेयर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर जो होती है वो हमें बचाती है। एंड अब ड्यू टू रिडक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट इतने रिड्यूस हो रहे हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो जो ओजोन लेयर है दैट इज गेटिंग वेरी मच डिप्लीटेड, बहुत कम होती जा रही, बहुत पतली होती जा रही, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हम तक आने शुरू हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट, एक अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक साल के अंदर पूरा रिवॉल्व करती है, टू बी प्रिसाइज इट इज 365 days and 6 hours it takes to complete one revolution around the sun, and 24 hours to complete one right rotation. Absolutely correct, very good, I'm glad that you're grasping the topics very well. So नेक्स्ट इज कि हैव यू एवर वंडर्ड कि कभी आप बीच पे गए होंगे हॉलीडेज पे मॉम डैड के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट पर जाकर के ऐसा लगता है कि अर्थ और की जो वाटर का जो है लेयर है, जो ओशन लेयर है और जो स्काई है, दैट इज मीटिंग टू ईच अदर, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर होराइजन। सिमिलरली जब हम कहीं पे लैंडस्केप में ओपन एरियाज में होते हैं और हम काफ़ी दूर तक देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो अर्थ की जो लेयर है, अर्थ और जो स्काई है वो आपस में मीट कर रहे हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड, दैट इल्यूजनरी लेयर इज कॉल्ड
लैंड होराइजन. वैसे होराइजन जैसी ऐसी कोई चीज होती नहीं है, दे नेवर टेंड टू मीच एंड मीट ईच अदर. ओके, इट्स जस्ट एन इल्यूजन ऑफ आईज. अब मून की शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि सैटेलाइट क्या होता है. बहुत बारी हम सुनते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च हो गया, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया. अभी रिसेंटली इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च किया है, विच कंटेन्स 36 सैटेलाइट्स. राइट, तो सैटेलाइट्स होते क्या है? सैटेलाइट्स एनी ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स अराउंड आवर अर्थ और एनी प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. तो हमारे पास भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, यू नो वॉट, दैट इज मून. मून टेक्स 29 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ऑलराइट, दिस इज अ फन फैक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि मून के अंदर अपनी कोई लाइट नहीं होती. वी सेल्डम सीज ना कि मून कितना शाइन कर रहा है, द मून इज शाइनिंग सो ब्राइटली. मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन ओनली. वो सिर्फ सन की लाइट ही को ही रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, मून शाइन्स बिकॉज द सन लाइट फॉल्स एंड मून सर्फिस इज कवर्ड विद माउंटेन्स, रॉक, डस्ट एंड ह्यूज बोल शेप्ड थिंग्स कॉल्ड क्रेटर्स. ठीक है, क्रेटर्स क्या होते हैं? ह्यूज डस्ट थिंग्स और स्टोन्स टाइप चीजें जो होती है उनको बोलते हैं क्रेटर्स. ठीक है, सिंस देर इज नो वाटर एंड एयर ऑन अर्थ, देर इज नो लाइफ ऑन मून. ठीक है, तो अगर आप इफ यू आर थिंकिंग टू शिफ्ट टू मून, तो प्लीज कैंसिल योर प्लान्स बिकॉज देर इज नो लाइफ, यू कैनॉट सस्टेन देयर अंटिल एंड अनलेस यू कैरी योर ओन वाटर एंड योर ओन एयर विद यू. ओके, तो बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कैसे फिर अलाइव रहते हैं? बिकॉज दे कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. ठीक है, सो दे कैरी देयर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू ब्रीद ऑन मून. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, आवर फर्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम. एंड आई होप कि हम अगर बेसिक से चल के सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो हमें बाद की जो लेटर ऑन की चीज़ें हैं वो बहुत ईजीली समझ में आएंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस चीज़ के लिए क्वेरीज आए कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो जो थिंग्स को जो एक्सप्लेन करना है उसके लिए हमें बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं अपने, तो हमें बाकी फर्दर चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी. और अगर आप ये एक बार सुन भी लेते हैं इस चैप्टर को, तो दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू. ठीक है, सो थैंक यू एंड आई होप टुडेज वीडियो इज वेरी मच यूजफुल टू यू. तो बने रहिए इसके ऊपर, एनसीईआरटी कॉम्पिटिशन स्टडीज के ऊपर, एंड don't forget to like, share and subscribe.